भोपाल में आज से मीडिया से बातचीत करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल में कोविड और अन्य बीमारियों पर रिसर्च और स्टडी के लिए एक प्रदेश स्तरीय इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जिसमें डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जाएंगे। दिग्विजय सिंह के पेड़ों की कटाई के आरोपों पर हमला करते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस खुद चाहती है कि दिग्विजय सिंह वनवास चले जाएं। आईएएस लोकेश जागीर पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि हर बात को रखने का एक उचित प्लेटफॉर्म होता है। जागीर अब तक यह नहीं बता पा रहे हैं कि धमकी किसने दी। वहीं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर बोलते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि मिल्खा सिंह ने देश का मान बढ़ाया है, वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हें हमारी श्रद्धांजलि है। इस तरह के संक्रमण के रोग और महामारी के स्टडी के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, इसलिए हमने निश्चित किया है कि भोपाल में हम स्टेट लेवल की पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे जिसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में शोध होगा, एपिडेमोलॉजी और बाकी विशेषज्ञ इसमें रहेंगे। हम इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ कोर्सेज भी शुरू करेंगे डिग्री और डिप्लोमा के। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बेसिकली तो वहाँ पर ज़मीन देखने गए थे, और केवल अपनी ज़मीन नहीं देखने गए थे, वो ये देखने गए थे कि कमलनाथ की सरकार के समय कमलनाथ और कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं ने वहाँ पर कितनी कितनी ज़मीन खरीदी। अब मीडिया को तो कुछ बताना था तो वो बिना बात के शगुफेबाजी कर रहे हैं, एक पेड़ तो लगाया नहीं। अच्छा होता दिग्विजय सिंह जी एक आध पेड़ लगाते। अब ये अलग बात है कि कल कांग्रेस में ये चर्चा थी कि अच्छा है दिग्विजय सिंह जी वनवास चले ही जाएं, कांग्रेस के नेताओं ने ये बात भी बोली, आईएएस ऑफिसर ने अपनी वार्तालाप हर स्तर पर की हुई वार्तालाप को सार्वजनिक किया, ये उनकी आदत रही है। वो जहाँ जहाँ रहे हैं उनके सीनियर अफसरों के साथ उनके झगड़े हुए हैं, उन्होंने हर समय अनुशासनहीनता की है। आईएएस ऑफिसर जांगड़े जी लगातार अपनी बातों को सार्वजनिक करते आए हैं। आप कभी कलेक्टर के खिलाफ बोलते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे धमकी मिली, अब किसके धमकी मिली ये बता नहीं पा रहे, किससे धमकी मिली ये बता नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि आपत्तिजनक भी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। धावक मिल्खा सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, निश्चित रूप से उन्होंने इस देश का मान और सम्मान तो बढ़ाया ही, और उसके साथ ही युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित होने की प्रेरणा भी दी। उनका जाना एक बड़ी क्षति है, मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।